हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवभूमि में पौराणिक मान्यताएं, देवास्था की बातें हर किसी को हैरान कर देती हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला से 35 किलोमीटर दूर धामी के खेल का चौरा में दिवाली के दूसरे दिन शुक्रवार को पारंपरिक पत्थर मेला का आयोजन हुआ। 12 मिनट तक दोनों तरफ से जमकर पत्थरों की बरसात हुई। दोपहर बाद 3:40 पर लाल झंडे से आयोजकों का इशारा मिलते ही पहाड़ियों के दोनों ओर से पत्थरों को मारने का सिलसिला शुरू हुआ। पत्थरबाजी के बाद जमोगी खुंद की ओर से पलानिया के सुरेंद्र सिंह को पत्थर लगते ही खेल को बंद किया गया। हालांकि खेल खत्म में कुछ समय लग गया। पत्थर लगने के तुरंत बाद सुरेंद्र को सत्ती का स्मारक खेल का चौरा में ले जाया गया। माथा टेकने के बाद सुरेंद्र को पहाड़ी पर बने भद्रकाली के मंदिर में तिलक कर परंपरा को पूरा किया गया। सुरेंद्र को इसके बाद प्राथमिक उपचार दिया गया। सदियों से चली आ रही परंपरा और पत्थर के खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे। महिलाएं बुजुर्गों में भी जोश कम नहीं था। धामी रियासत के उत्तराधिकारी जगदीप सिंह ने राज परिवार की इस परंपरा में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि के लिए कामना की। धामी के पत्थर के खेल से पूर्व 3:00 राज दरबार में स्थित नरसिंह देवता और देव कुरगण के मंदिर में पुजारी राकेश और राजा जगदीप सिंह राजेंद्र भरद्वाज ने कारिंदों के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा 3:30 आयोजन स्थल पर पहुंची। इसके बाद सती स्मारक पर पूजा अर्चना की गई। 3:40 से पत्थर का खेल शुरू हुआ जो 3:52 तक चला है। जमोगी के खूंदों की ओर से जनिया, जमोगी, प्लानिया, कोठी, चैया, ओखरू गांव के लोग शामिल रहे। वहीं राज दरबार के दल तुनुड़ू, धगोई, बठमाड़ा और इसके आसपास के युवा शामिल हुए। धामी में पत्थर के खेल की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता के अनुसार धामी रियासत के एक के बाद एक अनिष्ट को होने से रोकने और लोगों की सुख समृद्धि के लिए नरबलि की प्रथा होती है। यहाँ की रानी ने इसे बंद करवाया और इसके स्थान पर पत्थर का खेल शुरू करवाया, जिससे किसी को अपनी जान न देनी पड़े और अनिष्ट भी न हो। इस विकल्प में खेल में चोट लगने पर निकलने वाले खून से भद्रकाली के खेल का चौरा में बने मंदिर में तिलक किया जाने लगा। तब से ये प्रथा लगातार चलती आ रही है। कोरोना काल में धामी रियासत के उत्तराधिकारी जगदीप सिंह ने अपने खून से भद्रकाली को तिलक कर इस प्रथा को टूटने नहीं दिया। राज परिवार की ओर से बनाई गई कमेटी ही इस मेले का संचालन करती है। का जो प्रमुख इष्ट है श्री नरसिंह भगवान विष्णु अवतारित, उसके मैं पुजारी हूँ। जहाँ से इस मेले का शुरुआत होती है, ठाकुर जी के पूजन के बाद वहाँ के पुष्प अक्षत ले जाकर सती स्मारक तक हम ले जाते हैं। वहाँ राज दरबार प्रमुख जो होंगे, राजवंश से जो होंगे, उनसे हम पूजा करवाते हैं और उसके बाद मेले का प्रारंभ होता है। कितने लगभग जो हमारे पास 300 वर्ष का जानकारी है, जो मानव बलि को बंद करने के लिए महारानी जो सती हुई थी उनके द्वारा आदेश हुआ और उसके बाद ये मेला प्रारंभ इस रूप में किया गया कि मानव रक्त तो चढ़ेगा लेकिन बलि बंद हो जाएगी। हमारे दादाजी थे इससे पहले, तो उनके सामने हमारी आयु थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो फिर हमारी हम सन 2000 से मैं खुद और मेरे भाई लोग जो हैं शिफ्ट वाइज हम पूजा करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।